नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर में लंबे समय से हिंसा हो रही है, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हिंसा को लेकर विपक्ष स्थानीय और केंद्र सरकार पर हमलावर है। अमेयदी समुदाय के 9 विधायक, भाजपा के 8 और मणिपुर सरकार का समर्थन करने वाले एक निर्दलीय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि जनता ने वर्तमान राज्य सरकार में पूर्ण विश्वास खो दिया है। वहीं उसी दौरान 30 मेयती विधायकों का एक अलग प्रतिनिधि मंडल, जिसमें ज़्यादातर भाजपा से और एक एनपीपी और जदयू से थे, उन्होंने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, मणिपुर में काफ़ी दिनों से जारी हिंसा के कारण 100 से अधिक निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं और बहुमूल्य संपत्तियों को नुकसान पहुंच गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई उठाए गए, लेकिन बावजूद जमीन पर कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा। राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सूत्रों के मुताबिक आगे ये कहा गया है कि हर समुदाय और हर व्यक्ति शांति की बहाली चाहता है। वर्तमान में सरकार और प्रशासन पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। जनता का वर्तमान राज्य सरकार पर से पूर्ण विश्वास उठ गया है। कानून के शासन का पालन करते हुए सरकार के समुचित प्रशासन और कामकाज के लिए कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया जा सकता है, ताकि आम जनता का विश्वास और विश्वास बहाल हो सके। जिन कदमों का सुझाव दिया गया है, उनमें कुकी और मेहती विधायकों के बीच बातचीत और विचारों का आदान प्रदान करने के राज्य के मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए बैठक शामिल है। अन्य सुझाव राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की उचित तैनाती है। वर्तमान हिंसा में घुसपैठ और चिंकू की रक्षा बल की भागीदारी को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समुदाय द्वारा अलग प्रशासन की मांग पर किसी भी कीमत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।